साथियों, आपने अपने इस प्रधान सेवक को 5 वर्ष पहले दिल्ली का दायित्व दिया और सेवा करने का आदेश दिया था। बीते 5 वर्षों में एक भी दिन की छुट्टी भी लिए बिना, एक शरीर से जितना काम लिया जा सकता है उसका पल पल का उपयोग करते हुए मैंने देश की सेवा करने का प्रयास किया है। समस्याओं का समाधान करने का रास्ता खोजा है, बदलाव लाने की दिशा में सफलतापूर्वक हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने, उड़ीसा ने, पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया था। अगर आपके आशीर्वाद न होते, आपका साथ न होता, तो ये काम मैं नहीं कर पाता। और इसलिए जो कुछ भी देश में बदलाव आया है उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो मेरे देश के आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को जाता है। और इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की इस धरती में आकर के आज जो कुछ भी देश ने पाया है वो आपके आशीर्वाद से पाया है, वो सब कुछ मैं आज जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं, आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं। चाहे देश हित में लिए गए बड़े और कठिन फैसले हो या फिर पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दिया अभूतपूर्व समर्थन, ओडिशा की जनता पूरी मजबूती से अपने इस चौकीदार के साथ खड़ी रही है। इस विश्वास के लिए मैंने दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का आभार फिर एक बार मैं व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, अपने काम का हिसाब देने के साथ ही मैं आपसे कुछ सवाल भी करना चाहता हूं। मैं कुछ सवाल करूं तो जवाब देंगे आप? ऐसा तो नहीं ना थक जाएंगे? ऐसा तो नहीं ना गर्मी लग जाएगी? पूरी ताकत से जवाब देंगे? आप जो जवाब देंगे वो देश की जनता सुनने वाली है। और इसलिए मैं आज अपनी बात करने से पहले कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूं। बीते 5 वर्षों में ओडिशा के करीब 8 लाख गरीब परिवारों को घर मिल चुके हैं। ओडिशा में 8 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये किसने दिए? ये किसने दिए? ये किसने दिए? ओडिशा में 24 लाख घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल चुका है, उनके घर से अंधेरा दूर हो चुका है। ये अंधेरा दूर किसने किया? ये अंधेरा दूर किसने किया? ओडिशा में 3000 गांवों तक आजादी के 70 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। ये पहली बार गांव में उजाला पहुंचाने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? ओडिशा की 40 लाख गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला, माताएं बहनें धुएं से मुक्त हो गई। ये गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन किसने दिया?
कितने दिया? ओडिशा में लगभग 1,40,00,000 लोगों के बैंक के खाते खुलवाए गए। आजादी के 70 साल तक गरीब को बैंक के दरवाजे तक पहुंचने की इजाजत नहीं थी, हमने 1,40,00,000 लोगों के बैंक के खाते खुलवाए। ये काम किसने किया? किसने किया? ओडिशा में लगभग 50,00,000 शौचालयों का निर्माण किया गया है। 50,00,000 शौचालय मतलब 50,00,000 परिवारों की माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाया है। मां बहनों की इज्जत के लिए मैं शौचालय का काम कर रहा हूं। आप बताइए ये 50,00,000 शौचालय बनाने का काम किसने किया? किसने किया? आपने हर सवाल का जवाब एक ही दिया, मोदी मोदी मोदी। आपका जवाब गलत है, आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं, ये मोदी तो सिर्फ सेवक है, ये सारे काम आपके एक वोट के कारण हुए हैं। आपके वोट की ताकत है, आपके वोट ने हिंदुस्तान का भाग्य बदला है, आपके वोट ने हिंदुस्तान की दिशा बदली है, आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब की जिंदगी में एक नया उजाला लाया है, आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब में एक नया विश्वास पैदा किया है, आपके वोट ने हिंदुस्तान के गरीब में एक आशा भरी है। और इसलिए मोदी नहीं, मोदी तो सिर्फ निमित्त है, मोदी तो एक सेवक है। इस सारी सफलता के हकदार आप हैं, हिंदुस्तान के मतदाता है। आपने देख लिया, आपका भाग्य विधाता कोई परिवार नहीं, दिल्ली के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले नहीं, आप ही आपके भाग्य विधाता है। आप सभी के साथ से ही मैं ओडिशा के लिए अनेक काम कर पाया हूं। कुछ बातें मैंने बताई लेकिन बहुत कुछ कर पाया हूं, वो आपके कारण। और मैं मानता हूं कि अगर 2014 में यहां बीजेपी की सरकार बनती, भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा होता, तो ये सुविधाएं पहुंचाने में मुझे जो तकलीफ हो रही है, गति धीरी 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 चलती है, वो काम मैं तेज गति से कर सकता था, तेज रफ्तार से कर सकता था, और जितना हुआ है उससे अनेक गुना कर सकता था। लेकिन मुसीबत यहां राज्य में जो सरकार बैठी है वो हिलती ही नहीं है। भाइयों और बहनों, यहां की सरकार से सहयोग न मिलने के बावजूद मैंने बहुत ईमानदारी से आपके लिए मेहनत की है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक हो, इसका प्रयास इस चौकीदार ने किया है। बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, विकास की इसी पंचधारा को हमने देश के पिछड़े से पिछड़े इलाके तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथियों, जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने इस बार 30% से अधिक राशि का प्रावधान किया है। और आपको याद होगा, हिंदुस्तान में आप मुझे बताइए, आजादी के पहले आदिवासी समाज ठग नहीं था,
जरा जोरों से बोलिए ना, आजादी के पहले आदिवासी समाज था कि नहीं था? नेहरू जी के जमाने में आदिवासी समाज था कि नहीं था? इंदिरा जी के जमाने में आदिवासी समाज था कि नहीं था? राजीव गांधी जी के जमाने में आदिवासी समाज था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस के इतने वर्षों के शासन में उनको कभी भी भारत सरकार में आदिवासी मंत्रालय बनाने का विचार ही नहीं आया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद देश में पहली बार अलग आदिवासी मंत्रालय बना, आदिवासी मंत्री को काम दिया गया, सरकार से बजट आदिवासियों के लिए स्पेशल रखा गया ताकि मेरे देश के आदिवासियों के जीवन में बदलाव आए। भाइयों बहनों, उस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा हमारा उड़ीसा, इतने मछुआरे भाई बहन हमारे यहां रहते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में मछुआरे भाई बहन हैं, समुद्री तट पर भी है, नदी के तट पर भी है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या, उनके लिए कोई मंत्रालय नहीं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हमारी सरकार ने अभी पिछले वर्ष ही, मैंने एक बहुत बड़ी सेवा देश की करने का मुझे सौभाग्य मिला, और हमने जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था, मैंने मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, माछीमार के लिए अलग मंत्रालय बनाया, जो पूरे हिंदुस्तान के माछीमार समाज, गरीब समाज को काम आने वाला है। भाइयों बहनों, जंगल की जो दुनिया है, वन धन, जंगल की पैदावार, इसका बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए वन धन योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बेहतर कीमत आपको मिल पाए। As India